देखिए, लगातार हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जो हमारा अर्बन एरिया है उसमें जितने हमारे नागरिक गण हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिले और जाम आदि से मुक्ति मिलने के भी माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन है। और इसके साथ साथ जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन हैं उनके रोज़गार का स्थानीय स्तर पर हम लोग उचित प्रबंधन कर पाएँ और जाम आदि की समस्या भी ना लगे, तो उसको लेकर हमने एक प्रोजेक्ट यहाँ शुरू किया है, पीएम स्वनिधि गलियारा। पहला हमारा जो गलियारा है वो किला परिसर में बना, आप सब लोगों ने उसको देखा है, और बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे जो हमारे फूड स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो लोग वहाँ पे अपना व्यापार कर रहे हैं और 3 से 4 गुना उनकी आय हो गई है। तो उसी में फिर दूसरा विचार ये आया कि ज्वालानगर से शिकायत आती थी कि चूँकि मुख्य मार्ग है और यहाँ पर हमेशा जाम रहता है और करीब 84 के आसपास हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो यहाँ पर काम करते थे, तो इसलिए इस एरिया को ब्यूटिफिकेशन के लिए हमारे जो आदरणीय यहाँ के विधायक जी आकाश जी, तो उनके साथ में इसमें चर्चा हुई थी और उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि तब इस एरिया में भी अगर पीएम स्वनिधि गलियारा हमारा बन जाए तो बड़ा एक अच्छा वो होगा। तो उनकी अगुवाई में ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और बहुत तेज़ी से ये पीएम स्वनिधि गलियारा यहाँ बन रहा है। 84 स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनको इसमें लाभ मिलेगा। जो अब मेरे आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटरलॉकिंग नहीं, इंटरलॉकिंग पूरा लगेगा। इनके ऊपर जो शेड नहीं था, शेड का पूरा प्रोग्राम किया गया है। एक लाइन में सब लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है ताकि सिमेट्री उसमें बनी रहे, क्योंकि शहर हमारे शहर केवल दिखने के लिए शहर ना रहे, वहाँ की सुविधाएँ अच्छी हो, वो ब्यूटीफाई हो, उनका ब्यूटिफिकेशन हो पाए, नागरिकों को अच्छा उसमें फील हो पाए, उसके लिए हमारा प्रयास है। तो उसी को हम इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं और अगले 15 दिन में इस प्रोजेक्ट को हम लोग कंप्लीट कराना चाहते हैं। जो आप देख रहे हैं डेकोरेटिव स्ट्रीट पोल्स भी हम लोग यहाँ पे डिवाइडर भी बनाए, तो बड़ा एक बड़ा अच्छा ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। तो आज मैं आदरणीय विधायक जी के साथ में यहाँ पर आया हूँ इस पूरे चीज़ों को देखने के लिए। अच्छा, आपने डिजिटल पेमेंट भी किया कुछ लोगों को? हाँ, नहीं वो देखिए वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक संदेश है सभी लोगों को कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जिन लोगों ने लोन लिया है और वो डिजिटल पेमेंट को सीखें और डिजिटल पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में बढ़े। अभी आपने देखा होगा कि आई थिंक इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बन गया है डिजिटल पेमेंट के मामले में, धीरे धीरे हम उसमें नंबर वन होने जा रहे हैं। तो डिजिटल करेंसी को बढ़ावा दिया जा रहा है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसलिए जितने हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं तो उसको भी हमने चेक भी किया कि उनके यहाँ पे जो डिजिटल पेमेंट की सुविधा है वो वास्तव में काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अच्छा, आपने कुछ लोगों से बात भी की वेंडर्स से, तो क्या उन्होंने कुछ समस्याएं बताई? नहीं, समस्या नहीं बताई, छोटा मोटा एक दो रास्ते के लिए उन्होंने कहा, लेकिन सब लोग बहुत खुश हैं। एक परमानेंट स्पेस मिल जाएगा जहाँ पे कभी कोई नगर पालिका पुलिस कोई परेशान नहीं करेगा और एक प्रॉपर सिमेट्री के साथ में अपना व्यापार कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि उनका व्यापार में उनकी आय भी 2 से 3 गुना बढ़ेगी, तो उन सबको लोगों के लिए अच्छी बात है।